गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज डिप्लोमा के लिए अर्थात पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चकिया लेकर आया हूँ और यह केमिस्ट्री का 14वां क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास का जो हम वीडियो दे रहे हैं उसका यह जो है से 14वां क्लास है। तो प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चौथा लेक्चर है शाही कंसेप्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, तीन वर्ष की आयु के बाद, तीन अर्धायु के बाद दो ग्राम बचता है, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो तीन अर्धायु के बाद जो है से वह दो ग्राम बचता है, तो प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा आपको बताना है कि उस रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या है। तो देखिए इसको हम क्या कैसे बना रहे थे कि n बाई एन जीरो बराबर एक बटे दो को पावर तीन बराबर एक बटे दो को पावर क्या आ जाएगा बताइए, तीन, तो एक बटे आठ आ जाएगा। तो दो ग्राम बचता है, तब बचता है कि जगह पे क्या लिखी जाएगा, दो ना, तो दो बाई एन जीरो बराबर एक बटे आठ, दिस इंप्लाइज एन जीरो बराबर क्या जाएगा आठ दो सोलह ग्राम। तो यह जो है से आपका आंसर आ गया कि तीन हाफ लाइफ के बाद जो है से यह कितना ग्राम, तीन हाफ लाइफ के बाद जो है से अगर दो ग्राम वह रेडियो सक्रिय पदार्थ बचता है तो उसकी प्रारंभिक मात्रा जो है से आपको बताना था, तो 16 ग्राम रहेगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तीन अर्धायु, तीन अर्धायु के बाद कितना प्रतिशत बचेगा, पहला बचेगा और दूसरा विखंडित होगा, माने क्षय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, किसी रेडियो सक्रिय, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो कह रहा है कि तीन अर्धायु के बाद वह कितना विखंडित हो जाएगा माने डीके हो जाएगा और कितना रेस्ट जो है से बचेगा उसको बनाना। तो देखिए यहां पर तो एचएल आपका दे दिया है, एचएल बराबर तीन, तो क्या यानी थ्री हाफ लाइफ के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का कितना भाग विखंडित हो जाएगा और कितना जो है से बच गया। तो देखिए एचएल का मान तो तीन दे दिया है, तो एन बाई एन जीरो मान लिया कि प्रारंभिक मात्रा जो है, प्रारंभिक मात्रा उसको हम मान लेते हैं कि 100 माना, तो फिर इसके बाद जो है से हम क्या जानते हैं कि एन बाई एन जीरो बराबर एक बटे दो को पावर क्या होता है पी, तो एन बाई क्या कर दीजिएगा 100 बराबर एक बटे दो को पावर क्या, तो कह रहा है कि तीन अर्धायु के बाद तो ये चल नहीं दिया है, ये आपका पी का मान दिया है, पी का मतलब क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, पी का मतलब बताइए, पी का मतलब है कि एचएल की संख्या, एचएल की संख्या।
तो एक बटे दू को पार पी है तो एक बटे दू को पार तीन आ जाएगा यानी एक बटे आठ आ जाएगा। तो एन बराबर निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 100/8। तो चार से अगर काटिएगा तो 25 × 100 और 4 × 8 यानी 12.5% एन का मान है। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा पता है, एन का मतलब बच जाएगा यानी कि इतना परसेंट जो है से बच जाएगा। तब विखंडित कितना परसेंट हो जाएगा, तब विखंडित बराबर जो है से निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ हम पर हम निकाल दे रहे हैं कि विखंडित जब इतना परसेंट बच जाएगा, एन का मतलब होता है बच जाएगा, इसका थ्योरी हम दे चुके हैं। आ एन जीरो का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, तब विखंडित बराबर तो टोटल 100 मान लिए थे प्रतिशत में लाने के लिए, तो 100 − 12.5 तो 100 में से अगर मान लिया 10 घटाइएगा तो 90 या 90 में से 2 घटाइएगा 88 आपका 87.5 आ जाएगा इतना परसेंट। देखिए यह जो है से आपका आंसर हुआ। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था कि 3 अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का कितना प्रतिशत बच जाएगा और कितना क्षय हो जाएगा यानी विखंडित हो जाएगा। तो क्षय हो जाएगा आपको 87.5% और इसके बाद बच जो जाएगा वह 12.5% जो है सब बच जाएगा। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया। चलिए तीसरे नंबर अब क्वेश्चन की बारी आती है, तीसरा नंबर पर हम आ रहे हैं। तीसरा नंबर पर जो है प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ, प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ तो इसमें जो है से क्या होगा, तो यह आपका होगा पोलोनियम इस तरह से है। चलिए चार नंबर पर आते हैं, यूरेनियम है या प्लूटोनियम है। तो यूरेनियम को क्या कहा जाता है, भय का धातु, मेटल ऑफ फियर। यह जो है से आपका क्या है, आशा का धातु। चलिए आगे जो है पांच नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन हम क्या ला रहे हैं, कि देखिए कैथोड तथा एनोड। कैथोड का मतलब होता है आपका एनोड, एनोड का मतलब होता है धनु। कैथोड तथा एनोड पर ऑक्सीकरण अवकरण की चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण इस पर क्या होता है वो देखते हैं। यह जो है से आपका क्वेश्चन है, पांच नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इधर जो है से इसको मिटा दे रहे हैं, thank you।
तो देखिए पांच नंबर क्वेश्चन के जो है से चर्चा कर रहे थे, यहाँ मिट गया कि थोड़ा था एनोड पर ऑक्सीकरण औकरण। तो देखिए इसका चर्चा जो है पांच नंबर का हम करते रहे। देखिए धातु जो है से कहाँ जमा होता है, तो देखिए Na प्लस है, NaCl मान लिया है, तो देखिए यह विद्युत विच्छेदन में जो है से क्या दो ठो आयन के रूप में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। तो यह आपका हो गया धातु और यह आपका क्या हो गया अधातु है। अधातु का मतलब है गैस सब अधातु होता है, गैस है अधातु। तो धातु जो है से कहाँ जमा होता है, तक एट कैथोड, कैथोड पर धातु जो है से जमा होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैथोड पर धातु जमा होता है कि अधातु। तो देखिए Na प्लस है तो इसका मतलब है कि यह एक जो है से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, इसीलिए जो है से क्या है धनायन है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो बिल्कुल जो है से ऐसे आ गया, देखिए जीरो आ गया। तो यह जो आवेश आपको दिखाई दे रहा है इसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तब बताइए यहाँ पर जो है से हम देख क्या रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या ON ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या वन से क्या हो गया जीरो, तो वन से जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यह प्लस वन समझिए, वन प्लस एक, एक तो प्लस है तो प्लस वन। तो यहां पर जो है से वन से जीरो है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रहा है तो इसलिए यह अवकरण है, यह क्या है अवकरण है। तो देखिए इसमें जो है ऐसे क्या है कि कैथोड पर क्या होता है, तो कहेगा कि ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण, तो कहेगा कि कैथोड पर जो है से अवकरण होता है। अब इसके बाद आइए एनोड पर, तो एनोड पर की अगर चर्चा कीजिएगा तो एनोड पर जो है से अधातु जमा होता है। तो देखिए क्लोरीन तो अधातु है और यहाँ पर माइनस जब है, आवेश जो है से माइनस है, माइनस का मतलब माइनस वन है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ही गेन किया होगा। तो क्या कीजिए कि इसे एक इलेक्ट्रॉन जो है से खींच लीजिए, तो ऐसे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन क्या किए इसे खींच लीजिए, तो यह क्लोरीन ऐसे जीरो आ गया। तो देखिए यहां पर जो है से क्या है कि माइनस वन से जीरो, तो ऑक्सीकरण संख्या जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या आपका बढ़ रहा है, माइनस वन से जीरो हो गया, तो इसलिए क्या है ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन ला रहे हैं छठा कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस यानी इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो दिस इंप्लाइज इसको कहा जाता है क्या ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया। तो अब आप जो है से समझ गए कि ऑक्सीकरण क्रिया किसको कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो देखिए यह जो है से दोनों काफी इंपॉर्टेंट है,
अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है मान लिया, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या से आप नहीं घबराइएगा। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब हो गया आवेश। ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज क्या, इट इज जो है चार्ज, यह एक आवेश है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या घट रहा था, 1 से 0 हो गया तो ऑक्सीकरण संख्या घट रहा था। तो ऑक्सीकरण संख्या घट रहा था कब, जब इलेक्ट्रॉन को यह गेन किया तो ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब है दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन का लाभ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रक्रिया को जानते हैं क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवकरण, रिडक्शन। अंग्रेजी इसका लिख लीजिए कुछ ही, रिडक्शन। आ इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए अब आज से जो है से बात याद रखना है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है ऑक्सीडेशन जो है से किसको कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अवकरण किसको कहते हैं, तो अवकरण उसको कहते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो इस तरह से इसको दोनों को जो है से हम लोग कंप्लीट करते हैं कि क्या होगा, तो इस तरह से जो है से होता है। अब आगे देखिए 7 नंबर हो गया, तो 8 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है और इसको जो है से बखूबी हम लोग जो है से समझेंगे और वीडियो से ध्यान जो है से इधर उधर बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो देखिए अधातु जो है से कहां जमा होता है, अधातु बताइए, अधातु सभी गैस क्या है, तो सभी गैस अधातु है। गैस में लाइन ना मारेगा, तो लाइन नहीं मारेगा, एक मतलब अधातु है। तो अधातु जो है से कहां जमा होता है हम बताए हैं, तो देखिए अधातु जो है से आपका ये नोड पर जमा होता है। अधातु ये नोड, ये नोड का मतलब बताइए, ये नोड का मतलब धनोद, ये नोड पर जमा होता है। अधातु ये नोड पर जमा होता है। अधातु कहां जमा होता है, तो धातु आपका जो है धातु कैथोड का मतलब बताइए रिनोद पर जमा होता है, ठीक है। तो इसको जो है से ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसको आपको बारीकी से सब का ध्यान रखना है। अच्छा कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर हम बताए कि कैथोड पर आपको याद रखना है कि कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या बताइए, देखिए यहां पर कैथोड पर अवकरण एनोड पर ऑक्सीकरण। तो इन दोनों बात को जो है से ध्यान रखना है। चलिए अब जो है से 10 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है, जिसे हम लोग जो है से वीडियो पर बना रहेंगे तभी जो है से प्रत्येक चीज को समझ पाएंगे, अन्यथा जो है से आपके माइंड से जो है से यह आउट हो जाएगा, आपके माइंड से जो है से डिसलॉज हो जाएगा या आउट हो जाएगा, या इसी को कहा जाता है उपचायन। जैसे अभी हम ऑक्सीकरण अवकरण जो बोल रहे थे उसको उपचयन और अपचयन भी हिंदी में कहा जाता है, ऑक्सीकरण अवकरण कहिए या उपचयन अपचयन कहिए, अंग्रेजी बोलना है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहिए। तो देखिए अब हम आ रहे हैं ऑक्सीकारक यानी उपचायक, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं।
तो देखिए अर्जेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है। अर्जेंट उसको कहा जाता है जो दूसरे के लिए काम करना करता है। जैसे मान लिया कि कहा जाए कि यह आर्मी का एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वह आर्मी में खुद नौकरी करता है या वह आर्मी में नौकरी लगवाता है। तो नौकरी लगवाता है यानी दूसरा के लिए काम करता है। तो क्या करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपका है, उपचायक है, तो इसका पहला मतलब आप समझिएगा कि दूसरा रासायनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या, वो एन हम लिख दिए हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या समझिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा रासायनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। दूसरा बात की अपनी ऑक्सीकरण संख्या को, अपनी क्या, अपनी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को हम शॉर्ट में ओएन लिख रहे हैं, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। तो देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, ऐसे भी ऑक्सीडाइज का मतलब बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब घटाना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया बढ़ाने वाला एजेंट। तो बढ़ाने वाला, तो क्या बढ़ाने वाला, तो ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने वाला। यानी कहने का मतलब है कि वन हु ऑक्सीडाइजेज अदर बट सेल्फ गेट रिड्यूस, वन माने वह, वन हु ऑक्सीडाइजेज अदर, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है बट सेल्फ गेट रिड्यूस। यानी कहने का मतलब है कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा दे बट अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा ले, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है या उपचायक कहा जाता है या जो है से अंग्रेजी बोलिएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आप समझ गए। तो सबसे पहला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो दूसरा रासायनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है, और दूसरा पॉइंट पर लिखे हैं कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है, और तीसरा पॉइंट हम आपको कर रहे हैं क्या कि जब अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा रहा है, अब आपको दिमाग लगाना है कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को वह घटा रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का वह लॉस करता है या गेन करता है। यह जो है सोचने वाली बात है कि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा जब अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। तब ऐसे सोच लीजिएगा, मान लिया कि ये कोई पदार्थ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो यहाँ जीरो आवेश है, पता परमाणु जो है उदासीन होता है ना, जीरो आवेश है। तो ऐसे अगर इसको हम दे देंगे तो देखिए इस पर माइनस आ गया, तो क्या आ गया कि जीरो से माइनस हुआ, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या ओ एन इसका घट रहा है। तो देखिए अपनी ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीकारक पदार्थ उसको कहा जाता है जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। तो देखिए अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लिया कि नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या को अगर घटा लिया तो इलेक्ट्रॉन का ही लॉस करके घटाया या गेन करके, तो गेन करके। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीकारक या उपचायक कहिए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देख लीजिए, तो यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये सब पॉइंट ऐसे है लेकिन यह जो है आपका क्या आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि उपचायक किसको कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उपचायक जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो है से इसका आया, तो उपचायक में जो है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो देखिए 11 नंबर हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अधातु उपचायक होता है। उपचायक का मतलब क्या, ऑक्सीकारक,
उपचायक होता है। जितना धातु रहेगा सब जो है से क्या होगा, उपचायक होगा। जैसे मान लिया फ्लोरीन है, सबसे अच्छा उपचायक है। मान लिया ऑक्सीजन है, उसी तरह से जो है से क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यह जो है तो ये सब अधातु है, गैस है, तो ये सब क्या है, उपचायक है। उपचायक का जो है से यानी, और उदाहरण देते हैं जिसको ध्यान रखिएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे KCl3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट जो है से आपका क्या है, उपचायक में आता है। K2Cr2O7 माने पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह है पोटेशियम क्लोरेट और यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यह जो है से आपका क्या है, ये सब जो है ये आपका उपचायक है। फिर इसके बाद आइए, कि ये सब उपचायक आपका आ गया, तो इसके बाद जो है से आगे हम ले आते हैं, अपचायक के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अपचायक जो है से कौन कौन है। फिर यहां पर भी लिख दीजिए H2SO4। अब जो है से आइए अपचायक के बारे में। अपचायक, अपचायक का मतलब हो गया अकारक। अकारक का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग का, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, यानी घटाने वाला एजेंट। तो यह जो है से क्या कहिएगा कि दूसरा रासायनिक पदार्थ, दूसरा रासायनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है, यानी घटाने वाला एजेंट है तो घटा देता है। और इसका दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या, अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लेता है, बढ़ा लेता है। और तीसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का यह लॉस करता है या गेन करता है, तो अकारक क्या करते हैं, अकारक इलेक्ट्रॉन, अकारक जो है सो वह इलेक्ट्रॉन लॉस करते, लॉस करते हैं। मान लिया कि यह समझने वाला है कि आपको अकारक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर कैसे करते हैं, तो देखिए अपनी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर लेता है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा लेता है। तो मान लिया कि एम कोई एटम है जो परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, तो देखिए जीरो आवेश जो है से इसे, यह जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन इसको से हम खींच लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम प्लस प्लस आ गया। ऐसे जब कोई परमाणु जो है से इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनायन बनता है, तो धनायन बन गया। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या जीरो से क्या हो गया, जीरो से दो, तो ऑक्सीकरण संख्या आपका बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या यहां पर जो है से क्या बढ़ रहा है। तो देखिए अकारक पदार्थ उसको कहा गया है जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेता है, इसका मतलब ये बात सही है। चलिए अब यहां पर जो है से आगे जो है से हम बताते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए। धातु क्या होता है,
धातु और कारक होते हैं। धातु आपका क्या होगा? धातु और कारक होगा। जैसे मान लिया कि सीयू है, जेडेन है, ये सब धातु है, तो यह सब आपका क्या है? औकारक है। चलिए औकारक का और बहुत उदाहरण देते हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे HCl है, HBr है, HI है, तो यह जो है ऐसे सब क्या है? तो यह सब जो है ऐसे औकारक है आपका। चलिए और जो है से मान लिया कि ऑक्जेलिक अम्ल है, देखिए HCOOH, यह ऑक्जेलिक अम्ल है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल आपका है, तो यह भी क्या है? तो यह भी आपका औकारक है। HCOOH है, यह आपका क्या है? तो यह आपका फॉर्मिक अम्ल है, तो यह भी जो है से क्या है? औकारक है। H2S है, तो यह आपका क्या है? औकारक है। H2SO3 रहेगा तो यह औकारक हो जाएगा, लेकिन H2SO4 रहेगा तो ऑक्सीकारक आपका रहेगा। फिर जो है से यहाँ पर उपचायक यानी ऑक्सीकारक, उपचायक का मतलब क्या समझे? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण दे देते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो यह जो है से क्या है? यह भी आपका जो है ऑक्सीकारक है। औकारक में जो है से आ जाएगा नाइट्रस, HNO2 नाइट्रस, तो यह जो है से क्या आपका आ जाएगा? यह औकारक आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से ऑक्सीकारक औकारक के बारे में जो है से हम बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो 13 क्वेश्चन तक हो गया, इसके बाद जो है से हम बताते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है, प्रत्येक पॉइंट को जैसे हम समझा रहे हैं बिल्कुल उसी पर ढल जाने की जरूरत है, वैसे ही समझने की जरूरत है, तो पूरा का पूरा जो है से आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए अब हम 14 नंबर जो है से क्वेश्चन बताएंगे, जिसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऑक्सीकारक औकारक दोनों, ऑक्सीकारक औकारक, ऑक्सीकारक औकारक दोनों में आइए, O3 है ओजोन, H2O2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे कान साफ किया जाता है और इसके बाद मूर्ति साफ किया जाता है। फिर इसके बाद आइए SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यह ऑक्सीकारक औकारक दोनों आपका है। तो इस तरह से जो है सही, यह ऑक्सीकारक औकारक दोनों आपका है, जिसे आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकारक औकारक के बारे में बताएं, जिसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो है से सारा चीज पूछा हुआ है। अब इसके बाद जो है से देखिए ऑक्सीकारक औकारक को जो है पहचानना आपको है। ऑक्सीकारक औकारक की पहचान, देखिए रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन में ऑक्सीकारक औकारक को पहचानने के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन जो है से ऑक्सीकारक और कारक दोनों में आता है। देखिए जैसे मान लिया कि कोई दे दिया आपका कि C+O2, तो देखिए CO2, तो देखिए यह तो आपका गैस है,
गैस है का मतलब क्या है? अधातु है। अधातु है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो अधातु के बारे में हम क्या बताए हैं कि अधातु जो है से ऑक्सीकारक होता है, तो इसको ऑक्सीकारक कहिए। तो जब इसको ऑक्सीकारक कह दीजिए तो इसको अकारक बोल दीजिए, उसका उल्टा। चलिए मान लिया कि दूसरा हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, ZN प्लस H2SO4 बराबर क्या? ZnSO4 प्लस H2। अब ऑक्सीकारक अकारक पहचानना है तो जब बोलिए ZN क्या है? धातु है। तो यह है आपका क्या है? धातु तो अकारक होता है, अकारक होता है। H2SO4 जो है से याद करने के लिए बताए थे कि ऐसे भी ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकरण और करण प्रतिक्रियाएं सदा साथ साथ चलती है, माने एक ऑक्सीकारक अगर हो गया तो दूसरा अकारक आपका हो जाएगा। तो एक को पहचान लिए तो दूसरा आपका ही हो जाएगा। तो देखिए ही पहचान लिए, मान लिया कि एक और क्वेश्चन, एक और लेते हैं रिएक्शन, कोई रिएक्शन ले लीजिए। क्या रिएक्शन ले ले? H2 प्लस 1/2 O2 तो H2O। तो मान लिया कि अब ऐसे सोचिएगा कि गैस है तो यह तो गैस है, लेकिन ये ऑक्सीकारक अकारक दोनों में ना है। यह गैस है तो गैस है, इसका मतलब क्या है? अधातु है। और अधातु है तो इसका मतलब कि ऑक्सीकारक है। तो एक क्या कह दीजिएगा? यह जो है से अकारक है। तो इस तरह से जो है से ऑक्सीकारक अकारक के जो है से आप पहचानिएगा, आपको जो है से पता चल जाएगा। तो देखिए 15 तक हो गया, अब इसके बाद जो है से 16 नंबर पर हम आते हैं, ध्यान दे ले दिए हुए रहिएगा। देखिए अब जो है 16 नंबर पर हम आ रहे हैं, 16। ऑक्सीकरण संख्या पहचानना है, अंडरलाइन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, अंडरलाइन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर डॉट, जो अंडरलाइन हम करेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या बताना है। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में देखिए S को अंडरलाइन कर दिया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको बताना है तो कैसे हम बताएंगे? तो देखिए इसको ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल रहे हैं, तो बताइए H जो है से पीरियोडिक टेबल यानी PT के किस वर्ग में है? तो फर्स्ट वर्ग में। तो इसको लिख दिए कि 2×1 प्लस 2×1 लिख दिए, देखिए ऐसे यहां लिख दे रहे हैं 2×1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम एक समान लिए तो प्लस एक्स, प्लस 4×-2। याद थोड़ा रखिएगा कि अधिकांशतः यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो इतना बराबर टोटल आवेश, तो इस H2SO4 पर टोटल आवेश आपको दिखाई दे रहा है 0, माने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 0। तो यह है आपका आ गया x बराबर क्या आ गया? -8 आ जाएगा, ये तो -6 तो 6 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या जो निकाला जाता है उसके ग्रुप नंबर से उसके वर्ग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सल्फर आपका छठा वर्ग में है तो 6 से अधिक नहीं है, इसलिए सही है। और मान लिया कि और जो है से कुछ उदाहरण जो है से हम लेते हैं, जैसे CO2 ले रहे हैं, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या, तो चलिए इसका एक समान लिए,
तो एक्स प्लस दू गुने माइनस दू बराबर क्या जीरो। तो एक्स का मान आपका क्या आ गया, चार आ गया। तो ठीक है, चार कार्बन जो है से चौथा वर्ग में आपका है, तो चार से तो बड़ा नहीं ना हुआ है, बड़ा चार है तो ठीक है चलेगा। चलिए अब जो है से ऑक्सीकरण संख्या हम बता रहे हैं, और कुछ ले रहे हैं उदाहरण। NaCl में मान लिया कि Na के, अब जो है से अलग क्वेश्चन ही लेते हैं। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या, मैक्सिमम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या, तो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या का मतलब समझिएगा वर्ग संख्या, यानी ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। हम मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए रहेगा, मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो एन माइनस आठ कर दीजिएगा, जहां एन का मतलब है कक्षा संख्या, कक्षा संख्या। अब जैसे देखिए, मान लिया कि हम कहें कि क्लोरीन, क्लोरीन की अधिकतम क्लोरीन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, तो क्लोरीन किस वर्ग में आता तो सात में है, तो यह जो है सेवन हो जाएगा। अब क्लोरीन की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या अगर कहेगा तो एन माइनस आठ, तो एन का मतलब कक्षा संख्या, कक्षा ही सात में है, तो सात माइनस आठ बराबर क्या है माइनस वन। तो देखिए एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया। तो इस तरह से जो है से अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मतलब आपको ग्रुप नंबर बताना है, और मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना रहे तो एन माइनस आठ यानी कक्षा संख्या में से जो है से आपको आठ घटा देना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। उस 19 नंबर जो है से क्वेश्चन पर क्या आ रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं कि ऐसे मान लिया कि रहेगा कि CuNH3SO4 ऐसे आपको दे रहा है, तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताना। तो इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या बताना है तो इसको एक मान लीजिए, तो एक प्लस INH3 के बारे में आप जानिए कि NH3 तो जो है से क्या है, एक कंप्लीट यौगिक है, तो कंप्लीट यौगिक है तो इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जीरो हो जाएगा आवेश। इसके बाद SO4, तो SO4 को आप देखिएगा कि ऐसे लिखा जाता है, तो माइनस दू बराबर डायरेक्ट जीरो, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया माइनस दू आ गया। तो इस तरह से जो है से ऐसे आ गया। और मान लिया SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो SO4 तो आप समझते हैं कि ऐसे रहता है, तो इसमें जो है से इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो एक समान दिया। तो देखिए एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका, चार गुने माइनस दू बराबर माइनस दू, तो इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा तो माइनस आठ, और उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस दू और प्लस आठ यानी छ। चलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो इस तरह से जो है 19 नंबर तक हो गया।
अब इसके बाद जो है से हम लोग बना रहेंगे आगे। अब जो है से आगे आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग का ये रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, तो देखिए सबसे पहले जो है यह जानने की जरूरत है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, यानी रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है तो उसमें पदार्थ या मान लिया कि किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है कंपाउंड का, तो उसमें एटम्स भाग लेते हैं, तो वह जुटते क्यों। तो देखिए अस्थायी तो प्राप्त करना कौन नहीं चाहता, हम आप सब भी अस्थायी तो प्राप्त करना चाहते हैं। आप अस्थायी तो प्राप्त करने के लिए ही जो है से कभी वो कोचिंग में जाते हैं तो कभी ये कोचिंग तो कभी वो कोचिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो है से ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है से कोई कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या है कि जिंदगी अच्छा हो जाएगा, संवर जाएगा। तो इसी तरह से जो है से अस्थायी तो प्राप्त करने के लिए जो है से हर कोई चाहता है, तो यही कारण है कि पदार्थ जो है क्या करते हैं रासायनिक। किसी अणु में परमाणु यानी एटम्स को बांधने वाला फोर्स जो है यह है, यही जो है से केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब जो है से इस नंबर पर आइए। ये जीरो ग्रुप में क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं, यह एक ऐसा फैमिली है, जीरो ग्रुप एक ऐसा फैमिली है जो भरा पूरा है। इसको जो है से किसी से मिल करके और दुकान खोलने की जरूरत नहीं है जिससे इसका जीवन यापन होगा, इसलिए यह अकेला ही रहता है। तो आपको याद रखना है कि जीरो ग्रुप यानी अक्रिय गैस वाला जो ग्रुप है यह रासायनिक बंधन में यानी केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, जिसमें जो है से आपका क्या है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इस तरह से है, छोटो है। चलिए 22 जो है 22 नंबर पर हम आते हैं। 22 पर आते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है विद्युत संयोजक। तो देखिए विद्युत संयोजक बंधन के बारे में आई है, विद्युत संयोजक बंधन, तो विद्युत संयोजक बंधन में क्या है, इसमें धातु प्लस अधातु भाग लेगा। फिर इसके बाद जो है से दूसरा में हम आपको बता रहे हैं क्या, कि यह जो है धातु प्लस अधातु भाग लेगा, जैसे मान लिया कि कहा जाए कि NaCl, तो देखिए यह धातु है, एने और सीएल क्या है गैस है, मतलब अधातु है,
तो यह है आपका इसमें कौन सा बंधन है, तो विद्युत संयोजक बंधन है। मान लिया कि कोई कह रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए Mg धातु है, O ऑक्सीजन तो धातु है, अधातु है, तो आपको क्या आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आ गया, MgO है। इसी तरह से मान लिया कि और जो है से जो भी आप उदाहरण लेते हैं तो ले लीजिए, Cl2 है, तो देखिए ये सब जो है तो कौन बंधन में आ जाएगा, तो विद्युत संयोजक बंधन में आएगा। तो देखिए NaCl अगर मान लिया टूट रहा है, तो NaCl टूटता है तो देखिए Na+ और Cl-, यानी धातु पर जो है से प्लस आवेश है और धातु पर माइनस है, तो दोनों के बीच जो बंधन बनेगा वह काफी तगड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि BP यानी क्वथनांक, MP का मतलब क्या गलनांक, यह हो गया क्वथनांक, क्वथनांक आ गया, और यह है आपका क्या आ गया गलनांक। तो जब बंधन तगड़ा बन रहा है तो ये सब क्या होगा, ये सब जो है से आपका ऊंच होगा। फिर जो है से तीसरा बात आप याद रखिएगा कि क्या है कि बीपी या एमपी जो है, बीपी एमपी जो है से इसका क्या होता है, ऊंच होता है। जल में क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर, विद्युत का क्या रहेगा, विद्युत का सुचालक रहेगा। तब विद्युत का सुचालक कैसे रहेगा, ये आप कैसे समझिएगा, तो प्लस है और माइनस आवेश है, तो आवेश है तो यही आवेश ना विद्युत धारा में बहता है, तो यह जो है से विद्युत का सुचालक रहेगा, वो शर्त है कि इसका जलीय विलयन चाहिए या पिघला हुआ चाहिए, तब जो है से ऐसा होगा। फिर इसके बाद क्या है कि विद्युत का जो है से आपका यह सुचालक होगा, बीपी एमपी जो है से इसका ऊंच हो जाएगा। फिर क्या है कि जल में घुलनशील ही रहेगा, जल में क्या रहेगा, ये घुलनशील आपका रहेगा। और इसके बाद जो है से क्या है कि कार्बनिक कार्बनिक विलायक में अघुलनशील रहेगा। कार्बनिक विलायक में इसलिए घुलनशील होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो है से सह संयोजक बंधन बनाता है, विद्युत संयोजक नहीं बंधन बनाता है, और लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो देखिए इस तरह से 22 तक हो गया, ये 23 नंबर पर हम आते हैं। देखिए 23 नंबर पर आ रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई कहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया आपका कार्बनिक विलायक का कुछ उदाहरण आप दीजिए, यह भी आपको जानना है। तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह जो है से कार्बनिक विलायक है, CCl4 है, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल, यह भी कार्बनिक विलायक है। फिर इसके बाद जो है C6H5OH फिनॉल, यह कार्बनिक विलायक है। C2H5O C2H5 डाइथाइलीथर, यह जो है से आपका क्या है, कार्बनिक विलायक है। तो ये सब जो है से आपका क्या है, ये सब जो है से कार्बनिक आपका विलायक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर पर आइए, 24 नंबर को देखिए, यह आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ गया।
आप देखिए 24 नंबर पर बता रहे हैं सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और उसमें जो है से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो देखिए इसमें अधातु प्लस अधातु भाग लेता है, जैसे O2 है तो O और O भाग लिया, तो यह क्या है, गैस है मतलब अधातु है मतलब सहसंयोजक बंधन। Cl2 है H2O है, तो देखिए H2O जो है सहसंयोजक बंधन कैसे है, तो यह हाइड्रोजन है गैस है, ये भी गैस है, तो यह जो है से अधातुओं के बीच बंधन बन रहा है इसलिए सहसंयोजक बंधन है। NH3 है, ये नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, तो यह धातुओं के बीच बन रहा है तो सहसंयोजक है। CO2 है, HCl है, HF है, तो यह सब जो है सहसंयोजक बंधन आपका है। तो अगर धातुओं के बीच बंधन बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कहिएगा, अगर धातु प्लस अधातु रहेगा तो उसको आप इलेक्ट्रोवेलेंट यानी विद्युत संयोजक बंधन कहिएगा और इसको सहसंयोजक बंधन कहिएगा। तो यह आयन के रूप में नहीं टूटता है, तो यह विद्युत का क्या हो गया, विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि आयन के रूप में यह नहीं टूटता है। जब आयन के रूप में यह नहीं टूटता है यानी आयन प्लस माइनस इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि बंधन कमजोर हो गई। बंधन क्या होगा, बंधन कमजोर। तो जब बंधन कमजोर है तो इसका मतलब कि बीपी और एमपी, बीपी एमपी क्या होगा, बीपी एमपी आपका निम्न होगा, बीपी एमपी जो एमपी जो है से निम्न होगा यानी तुरंत टूट जाएगा। फिर इसके बाद जो है से और आगे आइए कि विद्युत का जो है से यह कुछ अलग होता है, इसके बारे में तो हम बता दिए, इसलिए कि आयन के रूप में जो है से नहीं टूटता है। यह है कि कार्बनिक विलायक में घुलनशील होगा, कार्बनिक विलायक में यह क्या रहेगा कि घुलनशील होगा, घुलनशील होगा, घुलनशील। IH2O में जल में क्या होगा, जल में अघुलनशील। जल में आपका अघुलनशील रहेगा, कार्बनिक विलायक में इसलिए घुलनशील होता है क्योंकि सभी कार्बनिक यौगिक जो है से सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है से 25 नंबर हम दे रहे हैं कि सभी सहसंयोजक यौगिक सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, बंधन बनाते हैं। तो जब सहसंयोजक बंधन बनाएगा, जैसे मान लिया कि कोई कह दे मीथेन है, एसिटिलीन है, इथिलीन है, CH3OH है, सब जो है से क्या है कार्बनिक यौगिक है आपका, CCl4 है, तो यह सब जो है से क्या, यह सब जो है से आपका क्या होगा, तो सहसंयोजक बंधन बनाएगा। तो सहसंयोजक जब बंधन बना रहा है तो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक जब बंधन बना रहा है तो कार्बनिक विलायक में घुलनशील होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक लाइक को क्या कर लेता है, घुला लेता है। अगर कोई चोर है तो वह जो है से उसकी इच्छा रहती है कि अगर कोई चोर भाग रहा है, दूसरा चोर भाग रहा है, तो उसको वह छिपा ले, क्यों, क्योंकि इसकी भी दशा कभी ऐसा हो सकता, तो इसलिए जो है से कहा जाता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक लाइक को क्या कर लेता है, घुला लेता है। सहसंयोजक यौगिक के अपवाद के बारे में कुछ आइए। देखिए NH3 जो है, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि HCl
या तो श्वसन जो जाओगी खाए देखिए क्या है कि आपका जो है ऐसे गैस से बना है, भी गैस से बना है, तो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, जबकि हम क्या बताए थे कि यह जल में घुलनशील नहीं होता है। फिर जो है ऐसे जलीय विलयन क्या होता है, जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हम आपको बताए थे कि सुचालक होता है, जबकि यहाँ पर बता रहे हैं क्या कि सुचालक होता है। तो ये सब आपको याद रखना है इस तरह से। अब इसके बाद आइए 27 नंबर पर आइए, विद्युत संयोजक जो हम बताए थे तो बंधन कैसे बनता है। तो विद्युत संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन दिस बॉन्ड, माने इस बॉन्ड में ऐसा होता है। चलिए 28 जो है से हम लोग आते हैं कि ध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर यौगिक, किसको कहा जाता है, तो देखिए FOHN फोन से बने यौगिक, फोन से बने यौगिक जो है से ध्रुवीय होते हैं। जैसे में हम आपका उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लिया HF है, तो यह आपको कहेगा कि ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, तो देखिए इसी से बना है। मान लिया NH3 है, तो यह भी जो है से ध्रुवीय होगा, H2O है, ध्रुवीय आपका होगा। वही जो है ऐसे मान लिया कोई कह दिया कि H2S, तो यह जो है से ध्रुवीय नहीं होगा, ध्रुवीय होगा, क्यों, क्योंकि H तो है इसमें लेकिन S नहीं है। फिर इसके बाद मान लिया कि कोई कह दिया आपको कि H2S है, तो H2S तो कह दिया, फिर कह दिया कि PH3 कह दिया कि PH3 क्या है, तो यह भी जो है से नहीं होगा। तो इस तरह से जो है से ध्रुवीय अध्रुवीय की आप पहचान लीजिएगा। अब जो है से हाइड्रोजन बॉन्ड पर आइए, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में हम क्या कर रहे हैं कि H प्लस FON फोन में से कोई भी रह सकता है, लेकिन एच को रहना जरूरी है। जैसे मान लिया कि हम कहें कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, तो है, NH3 में है कि नहीं, है, कैसे, क्योंकि H है और इसके अलावे जो है से इसमें से है, तो देखिए H तो है ही है और वो है, तो इसमें से वो है, H है और इसमें से जो है से देखिए N है। मान लिया कि कोई कहेगा कि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, तो H तो है लेकिन FON से कोई नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। मान लिया कहा जाए कि C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, है, क्यों, क्योंकि H तो है आ इसमें से भी देखिए वो है और अतिरिक्त भी है, लेकिन इसमें से तो है ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका। मान लिया कि आपको कह रहा है कोई कि H2SO4, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचान लीजिएगा, और ये जो है से ध्रुवीय या ध्रुवीय को जो है सब पहचान लीजिएगा। 29 हो गया, अब आप देखिए 30, देखिए डबल बॉन्ड, देखिए
ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एकल बंधन, एकल बंधन। फिर यहां पर आइए डबल बॉन्ड, द्विबंधन। द्विबंधन का मतलब डबल बॉन्ड आ गया। और त्रिबंध माने ट्रिपल बॉन्ड आपका आ गया। तो देखिए जैसे N2 है तो यह जो है से आपका C2H2 है, तो यह जो है से ट्रिपल बॉन्ड में है। डबल बॉन्ड में आइए O2 है, यह जो है से Cl2 है, H2 है, CH4 है। तो देखिए यह जो है से ट्रिपल बॉन्ड कैसे है तो देख लीजिए, ऐसे रहता है ऐसे। यह जो है से एसिटिलीन है तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड इसमें। डबल बॉन्ड में ये भी है आपका C2H4, देखिए CC, और इसके बाद जो है से ऐसे है। तो ये सब आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ये सब तो सिंगल बॉन्ड है। देखिए Cl है, Cl, यह क्या आपका है ऐसे रहेगा। अब इसके बाद जो है से 31 नंबर पर आइए, सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद पाई बॉन्ड। तो देखिए यह क्या है कि अधिक शक्तिशाली, अधिक क्या है प्रबल, अधिक शक्तिशाली लिख दें। चलिए अधिक शक्तिशाली है। यह जो है से कम शक्तिशाली है। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड के कहा जाता है कि यह जो है से क्या, पाई बॉन्ड के कहा जाता है कि साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, और फेस टू फेस ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। आमने सामने अगर ओवरलैपिंग होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब एकल रहेगा, ऐसे लिखाएगा। और देखिए पाई बॉन्ड में क्या है, अगर डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होता है, ऊपर वाला सिग्मा रहेगा और नीचे वाला पाई रहेगा। अगर मान लिया ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर में सिग्मा है, ऊपर नीचे में सिग्मा है, और बीच में क्या है आपका पाई है। तो याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब ऐसे दिया था है, और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड और पावर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन पावरफुल है? तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? तो फेस टू फेस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी आमने सामने ओवरलैपिंग होता है तो इसके बीच जो बंधन बनेगा वह काफी तगड़ा होगा। और इसके बाद पाई बॉन्ड को डिफाइन किया जाता है कि साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्या, पाई बॉन्ड, यानी साइड से बॉन्डिंग बनता है, साइड से ऐसे हाथ पकड़ता है तो वह थोड़ा लूज हो जाएगा, वह ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। हेंस सिग्मा बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन पाई बॉन्ड। तो इस तरह से जो है से आज का वीडियो जो है काफी विश्राम जो है से इतना ही पढ़ देते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और इसके बाद अपने दोस्तों के बीच भी इसको फैलाएंगे। लाइक सब्सक्राइब करें और फुल टाइम जो है से वीडियो को देखें, पूरा का पूरा आपको लाभ होगा, आपका सिलेक्शन भी जो है से पक्का हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।